इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। शासन को क्या कहना, पर सर उनको मौत मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सर कातिल जो बन गया तो उसको क्यों नहीं सजा दे रहे, हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या प्रशासन से आप लोगों की उम्मीदें टूट गई है? हाँ मेरी उम्मीदें टूट गई है, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं बचा। असली मुजरिम झूठ है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं करना चाहते हैं वो लोग, उसको सजा चाहिए। मेरे बच्चों को ले गए 8 बजे, ले गए तो कुछ नहीं हुआ, थाने में बंद है मुलजिम, मुलजिम को ले गए वहाँ बंद करे क्यों रखे, उसको सजा चाहिए, फांसी चाहिए उसको। हत्या 30 तारीख को रात को यहाँ से रात को 8 बजे यहाँ से लेके गए, बैठा के बाइक पे कि चलो मूर्ति देखने के, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति फटकी पे बैठाई गई है, वहाँ पे लेके गए, लेके वहाँ से रात को 9-9:30 बजे तक वहाँ थे, 9-8:30 बजे तक वहाँ थे, वहाँ से फिर वो लोग वापस नहीं आए। वो लोग कहाँ गए, जब उधर लाइटिंग लोग गए उधर, तो बाइक वहाँ पे खेत में मिली, बाइक मिली तो पड़ी थी ऐसे, तो देखे तो भाई गया छोटा वाला उधर, तो कोई बुलाया तो भागते गए, एक बाइक लेके आए, फिर यहाँ पूछताछ किया कि राजू है घर पे, बोला कि नहीं रात से आया ही नहीं है। नमस्कार, इस समय हम नवाबगंज के दुर्गागंज गांव में उपस्थित हैं, इलाहाबाद में। यहाँ पे 30 तारीख को एक मर्डर होता है, मर्डर करके शव को कुएं में फेंक दिया जाता है, लाश बरामद होती है, उसके बाद FIR लिखी भी जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं, पीड़ित परिवार के घर पे, बात करने की कोशिश करेंगे, मामला क्या है, किस तरह का मामला था, अभी तक क्या हुआ है, न्याय मिला है कि नहीं मिला है। आप पीड़ित परिवार के साथ हैं, कौन लगते हैं आप जिनकी हत्या हुई है? छोटा भाई हैं। तो क्या मामला था, पूरा मामला क्या है? मामला की जानकारी हमें अगर होती तो ऐसा होता ही नहीं। मामला की जानकारी मतलब कि अगर होता कि कोई मैटर है तो हम लोग घर के गार्जियन से समझाते बोलते, हमें इसका कोई पता नहीं था इसमें, अब अंदर से क्या था क्या नहीं था वो जाने जो करने वाला था, कि कैसे किया, कैसे साजिश किया, घर से ले गए, बुला के गए। क्या मामला था, घर से बुला के ले? हाँ, घर से बोले दुर्गा मूर्ति देखने चलना है। कितने लोग थे बुलाने वाले? क्या नाम जद है, नाम जानते हैं? महेंद्र और गोलू दोनों लोगों का नाम था। सीधा सीधा आरोप है आप लोगों का, सीधा सीधा आरोप है, नाम भी जानते हैं आप? महेंद्र और गोलू दोनों लोगों का नाम है, वही दोनों बीच में बैठा के लेके गए हमारे चाचा को। तो आप लोग इंसाफ क्या चाहते हैं? इंसाफ उनको फांसी हो, जैसे हमारे भाई को मारे उसे उनको भी फायदा हो। प्रशासन क्या कहे, जैसे हमारे भाई उनको फांसी पे ले चलिए बस, उनको क्यों इल्जाम पे वहीं पे क्यों रखा गया, उनको ले जाए ना वहाँ पे। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कोई नाम ही नहीं, उनके बचाना चाहते हैं सब लोग की, मतलब उनका नाम नहीं आ रहा है उसमें, बाकी वो भी थे, वो निर्दोष है बोल रहे सब लोग। कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार इसमें 6-7 लोग हुए हैं, मगर 2 का सिर पे चलान किए, बाकी को छिपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। जो मेन है, मेन सरगना वही है महेंद्र, उसको बचा रहे हैं। इधर पूरा मामला यह है कि वो आरोपी जो मेन आदमी है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, वो महेंद्र उनको बैठा के रखे चौकी में हैं, लेकिन उनका नाम ओपन नहीं कर रहे हैं, ना तो कहीं नाम है ना कहीं उनका कुछ, ना पेपर में भी नाम निकला है 2-3 लोग का, इनका रोहित का और अमन का और एक मुस्लिम करके क्या नाम है उनका, वो निकले, उनको नाबालिग जो है उनको डाल रहे हैं उसमें, कागाथीन में, और जो सही मुजरिम है उसको नाम ही नहीं आ रहा है उसका। कब हत्या हुई, कब कहाँ लाश बरामद हुई, क्या समय था, कौन सी डेट थी? हत्या 30 तारीख को रात को यहाँ से रात को 8 बजे यहाँ से लेके गए, बैठा के बाइक पे कि चलो मूर्ति देखने के, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति फटकी पे बैठाई गई है, वहाँ पे लेके गए, लेके वहाँ से रात को 9-9:30 बजे तक वहाँ थे, 9-8:30 बजे तक वहाँ थे, वहाँ से फिर वो लोग वापस नहीं आए। वो लोग कहाँ गए क्या नहीं किए, वो आते थे 1-2 घंटा 4 घंटा में आते थे, लेकिन कोई यहाँ पे घर पे कोई सूचना ही नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था, कोई लिवा के गए, जब वहाँ गए तो वहाँ से आए नहीं वापस। वापस आने सुबह जब उधर लाइटिंग लोग गए उधर, तो बाइक वहाँ पे खेत में मिली, बाइक मिली तो पड़ी थी ऐसे, तो देखे तो भाई गया छोटा वाला उधर, तो कोई बुलाया तो भागते गए, एक बाइक लेके आए, फिर यहाँ पूछताछ किया कि राजू है घर पे, बोला कि नहीं रात से आया ही नहीं है, नहीं आए। तो फिर वो लोग आ गए थे, सब भागते पूरा परिवार में, पूरा परिवार के लोग गए वहाँ पे, देखे तो कुछ मिला ही नहीं, फिर ढूंढते ढाँढते वो आ गए। दूर पे है जहाँ पे लाश, ये अपना ज़्यादा 100 मीटर तक होगा,
यहाँ पे वहाँ कांसा है कुछ, वहाँ पे बाइक मिली और उनका चप्पल मिला और अंगूछा मिला, वहाँ पे ब्लड पूरा गिरा हुआ था। ब्लड के सहारे से जहाँ से जैसे जैसे घसीटे थे वैसे वैसे लेके गए, पूरा पत्थर 60-70 किलो का पत्थर उनके शरीर में बांध के कुएं में डाल दिए थे, उसमें पड़ा था वहीं से। फिर वहाँ से ब्लड के हिसाब से वो निकल, तब तक पुलिस वाले आए, वहाँ से निकलवाए कागाती, वहाँ से सीधा लेके आए घर पे। इधर बगल में तो जो है लालगंज लाल गोपालगंज स्टेशन है। हाँ। क्या स्टेशन के जस्ट बाजू में ही है? स्टेशन के जस्ट बाजू में है। हमको इंसाफ चाहिए, बस मुजरिम जो सही मुजरिम है उसको गिरफ्तारी चाहिए, उसको फांसी हो, फांसी नहीं हो तो उम्र कैद हो। पीड़ित परिवार के माता जी के साथ हैं, जिनकी हत्या हुई उनकी माता जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हुआ अम्मा? भाई हमारे भाई घर से लग गए गोलू महेंद्र बैठा के गाड़ी पे बीच में, भैया का कारण जौन कार्य हो, हम चाही थी इंसाफ। हमारे भाई अगर लैठा है उनका गायब कार खरीद या फांसी चढ़ावा। क्या नाम था? गोलू महेंद्र जौन हाँ बैठा के लग गए हैं। हमारे बेटे के विवेक कुमार रजुआ नाम है जौन मढ़ीला हो। आप क्या लगती हैं? हमारे चाचा हैं वो, हम यहीं पे थे, उनको आए गोलू और महेंद्र दोनों लोग बीच में लिवा के चले गए बैठा के। हम बोले चाचा खाना खा लो तो जाओ, बोले नहीं खाना आएंगे तो बाद में खाएंगे, वही लोग बोले कि अभी नहीं लेके जा रहे हैं, उन्हीं को फांसी करो बस। इधर घर पे जमावड़ा लगा है, इधर जो है शोक मना रहे हैं पीड़ित परिवार, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक, और बहुत ढीला काम कर रही है प्रशासन, जो कि लाश भी बरामद हुआ और आरोपी भी नामजद हैं। इधर आपको फिर से हम पता बता दे रहे हैं, लाल गोपालगंज के बगल दुर्गंज के गांव में इधर जो है हत्या हुई, लेकिन 30 तारीख की हत्या हुई, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं की है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं की है। इधर जो हत्या हुई है, क्या लगते हैं जिस तरह से यहाँ पर जमावड़ा जुट रहा है, प्रशासन क्या कह रही है? सर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, हमें इंसाफ चाहिए, जो सही मुजरिम है वो गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद क्या चाहिए? फांसी हो, उम्र कैद हो बस। अभी जो दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं उनसे संतुष्ट नहीं, जो जितने भी हैं ना उसमें सब जाने चाहिए। एक दो से क्या होगा सर? 5-6 लोग हैं जितने हैं, सब तो जाने चाहिए ना। जितने दोषी हैं सबको जाने चाहिए, उनको सजा क्या करें? उनको दोषी है जो फरार है, जो जैसे हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए बस। हमारा भाई जैसे गया हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इधर पूरा घर जो पीड़ित परिवार है हाहाकार से लूटा हुआ है, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग पीछे चलिए, क्या कह रहे हैं? मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, मांगे क्या? हम यही चाहते हैं जो बैठाए वहाँ कार्रवाई हो, या तो फांसी हो या तो उम्र कैद हो, दो में एक चीज हो। दो क्या नाम था आरोपी का और जो जिनकी हत्या जो यहाँ से ले गए हैं, उनका नाम है गोलू और महेंद्र, दो नाम। अभी आप लोग 3 आरोपी बता रहे हैं, अभी 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, दो तो गिरफ्तार हो गए हैं, तीसरा एक भाग गया है, वारिस नाम है उसको, भैया बहन कहते हैं, किंगरिया मतलब मुस्लिम है, वो फरार है, उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई पुलिस प्रशासन। इधर तीसरा आरोपी जो कहते हैं मुख्य आरोपी है फरार है, लेकिन प्रशासन लापरवाही की वजह से इधर न्याय नहीं मिल पा रहा है।